हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जब भी हमें क्या है, जैसे हमारे एग्जाम से मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो मार्क्स आते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग मार्क्स? जो जितना भी क्या है ओवरऑल, मान लो टोटल है, ठीक है, तो टोटल क्या है, हमेशा नीचे आता है, टोटल हमेशा नीचे आता है। और ओवरऑल जितना भी आपके सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए उन सबको अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर सबका ऐड कर देते जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने में से आए हैं वो नहीं, जितने में से आए हैं वो यहाँ रखे जाएंगे ऐड करके, और जितने भी नंबर आपके आए हैं, ठीक है, जितने भी नंबर क्या है आपके आए हैं उनको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? परसेंटेज। और ये क्या है? परसेंटेज का साइन होता है, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक जैसे 5th-6th क्लास के, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम क्या है उसी परसेंटेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि परसेंटेज निकालते कैसे, जैसे 21 out of 100, ठीक है, यानी 100 में से 21, तो 100 क्या है? टोटल, वो नीचे, 21 कितना है? 21 ऊपर, और क्योंकि हमें इसको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में 100। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम परसेंटेज में चेंज करेंगे इनटू हमें 100 करना ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे ये हम लोगों को पता है, ये दोनों डिवाइड में होते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड में होते हैं। अब देखो ये भी तो है ऊपर नीचे ही ना, तो ये भी क्या है, डिवाइड में होगा, लेकिन इसके साथ नहीं, इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नीचे हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि क्या है, लास्ट में जीरो लगी हुई है, अब क्योंकि इन दोनों के लास्ट में जीरो लगी हुई है ऊपर नीचे, तो हम जीरो से जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके पास कितना बचा? 1 बचा, इसके पास भी 1 बचा, और हम लोगों को पता है 1 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो 21 को अगर ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप सीधा से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और नीचे इसका 1 बचा है, तो इस 1 को नीचे लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्योंकि हमने इसको परसेंट में चेंज किया है, मल्टीप्लाई 100 किया है, तो इसमें हमेशा परसेंट का साइन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, चलो ऐसे ही फिर ये वाला 100 out of 35, टोटल कितना है? 100 है, 100 नीचे, 35 है ऊपर, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर से वही प्रोसेस, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 35 1 35, नीचे 1 रखना है रख लो वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि हमने इसको परसेंट में चेंज किया है, जब हम मल्टीप्लाई में 100 कर रहे हैं ना, तो आप जान लेना कि हम इसको परसेंट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसका परसेंटेज निकाल लें, कैसे निकालोगे? टोटल 100 नीचे, 13 ऊपर, और क्योंकि हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर विल बी 13 1 13, नीचे 1 बचा हुआ है, लगाना है लगा लो वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज। आया समझ में? ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हो गया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं इसकी जगह कोई और डिजिट ले लेती हूँ, लाइक मैं इसकी जगह ले लेती हूँ 3/10। अब इसको परसेंट में चेंज कर ले तो आप कैसे करोगे? ये तो आउट ऑफ का मतलब यही होता है, ये टोटल है, और नीचे 10 है, इसका मतलब ये टोटल है, तो क्योंकि अब हमें इसको परसेंट में चेंज करना है तो 3/10 परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 10 से 10 कट हो गया, तो 3 1 3 या 10 बचा है सीधा सा, तो 10 3 30 कर लो, नीचे 1 की तो वैल्यू नहीं, परसेंट का परसेंट। ठीक है, ये 0 वाला फंडा समझ में आया, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर क्या है लाइक जैसे ये 105 है और नीचे 100 है, तो इस 0 को इससे काट देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ये हमेशा कट तभी होगा जब क्या है लास्ट में 0 होगी,
लास्ट में जीरो होगी तभी ये हमेशा कट होगा। समझ में आया? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 4/5 है, परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई से 100 से मल्टीप्लाई, वही सेम चीज। आप कैसे करोगे? अब इसको डिवाइड कर लो, दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड होता है ना, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर लो इनको। कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 5 बाहर, 100 अंदर, 5 2 10, 0। अब लास्ट में, जब लास्ट में अकेले जीरो रह जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इनको कट करके कितना आ गया? 20। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 24 80, और हमने इसको क्योंकि परसेंट में चेंज किया तो इसलिए परसेंट में साइन। समझ में आया? अब नेक्स्ट, ठीक है, देखो 0.6 है, 0.6 है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, फिर अब कैसे इसको परसेंट में चेंज करेंगे? देखो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद ये कितना नंबर है? अब तुम बोलोगे 6 है। हाँ नंबर तो ये क्या है, नंबर तो 6 है लेकिन डिजिट कितने हैं? डिजिट एक ही है। तो जब क्या है, पॉइंट इसका रिमूव करेंगे ना हम लोग, तो एक डिजिट है, 6 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। जब एक डिजिट होती है ना तो 10 आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये होता 0.07, तो क्या करते हैं? पॉइंट रिमूव करने के लिए दो डिजिट है ना, 07 दो हो गए ना, दो नंबर हो गए, तो 100 आ जाता, 3 हो जाते होते 1000 आ जाता। आप इसको जीरो से गिन सकते हो कि पॉइंट के बाद एक नंबर है ना तो 10, दो नंबर है ना तो 20, ठीक है, इसको आप गिन सकते हो इस तरीके से। अब क्योंकि परसेंट में चेंज करना है तो इनटू 100 करना तो जरूरी है। 0 से 0 कैंसिल, 6 10 60, ठीक है। और परसेंट का साइन लगाना मत भूलना कभी भी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट ही चेंज हो जाता है। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है 0.05, परसेंट में चेंज करना है तो कैसे करोगे आप इसको परसेंट में चेंज? 0.05, पॉइंट क्या है, हटा दिया, पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, दो डिजिट है ना, तो मैंने क्या बोला था, 20 यानी कि 100, और क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 20 से 20 कैंसिल, आंसर क्या बचा? 5 आंसर 5। अब तुम बोलोगे ये 0 ये लगाना है, लगा दो वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंट। आया समझ में?